हिम्मत है उस इंसान की जिसने ये डायरेक्ट करके प्रोड्यूस करके और सिनेमा हॉल्स तक पहुंचाया। मैं इसको अगर डायरेक्शन देखा जाए, स्टोरी देखी जाए, फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड एक कहानी देखी जाए, सभी में मैं इसको 9/10 दूंगी। यहाँ पर धर्म और आतंकवाद एक अलग अलग चीज है, तो आतंकवाद वो चीज जो फैल रही थी उस चीज को दिखाया गया। मतलब कि जो टेररिज्म चल रहा है, जैसे कि अलग 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 तरह का जो टेररिज्म चल रहा है उसके बेसिस पे है ये मूवी। तो शानदार थी क्योंकि सच्ची घटना पे आधारित थी, तो मैं तो हमेशा समर्थन ही करूंगा, चाहे वो कश्मीर फाइल्स हो चाहे। एक्सीलेंट, हर लड़की को, हर भाई को, हर माँ बाप को देखनी चाहिए। लेकिन बिल्कुल सत्यता है और पूरे देश में ये एक एजेंडा चल रहा है, पूरे देश से इसी तरह लड़कियों को धर्मांतरण किया जा रहा है और उनको देश विरोधी एक्टिविटी में यूज किया जा रहा है। मेरे बहुत अच्छे कश्मीरी दोस्त हैं, लेकिन मैम जो कुछ गंदे लोग हैं वो बहुत गंदे हैं मैम, ये बात हमें लोगों को बतानी होगी मैम। आपने अभी फिल्म देखी है द केरला स्टोरी, क्या कहेंगे रिव्यू के बारे में? मैं इसके बारे में ये कहना चाहूँगा कि ये केरला की एक रियल स्टोरी पे बेस्ड बनाई हुई मूवी है, जिसमें कि प्रॉपर दिखाया गया कि इस्लामिक धर्म को उन्होंने किस तरीके से वहाँ पर फैलाया गया था और किस तरह हिंदुओं को वहाँ से, मतलब हिंदू लड़कियों को, और इस तरीके से, मतलब ये नहीं कह रहे हैं कि मुसलमान इस मूवी को ना देखें, वो भी देखें। जो स्टोरी थी एक रियल स्टोरी थी, एक तरीके से आतंकवाद फैलाया गया था वहाँ पर, वो आतंकवाद पे बेस्ड है एक तरीके से वो मूवी जो है। बाकी मूवी बहुत अच्छी लगी मुझे, मैंने पूरी मूवी देखी, इंटरेस्टिंग बहुत है, आप सभी लोग भी देखें। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि मुसलमान विरोधी है या फिर पीएम नरेंद्र मोदी ने भी तारीफ किया, तो उस पर क्या यार? मैं ये नहीं कहूँगा मुसलमानों को विरोधी होना चाहिए, अगर मैं भी खुद भी एक मुसलमान होता तो भी मैं उस चीज़ को समझता, क्योंकि वो एक आतंकवाद है। यहाँ पर धर्म और आतंकवाद एक अलग अलग चीज़ है, तो आतंकवाद वो चीज़ जो फैल रही थी उस चीज़ को दिखाया गया। कुछ और लोगों से बात करते हैं जो फिल्म देख रहे हैं। मैम आपने क्या ये फिल्म देखी है केरला स्टोरी, क्या कहेंगी, कैसी लगी? मतलब रियलिटी फैक्ट है इसमें और बहुत अच्छा मूवी है, और मतलब हकीकत को लाने के लिए कि कैसा चल रहा है सभी स्टेटों में। और जो लोग कह रहे हैं कि मुसलमानों के ऊपर प्रोपेगेंडा वाली फिल्म बनाई गई है, क्या ये टेररिज्म के ऊपर है? ये किसी मतलब कि जो टेररिज्म चल रहा है, जैसे कि अलग 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 तरह का जो टेररिज्म चल रहा है उसके बेसिस पे है ये सब। हाँ, कितने पॉइंट्स देंगे? मैं तो 9.9। आप बताइए सर, कैसी लगी मूवी? बहुत बढ़िया थी, और ये मतलब ऐसा नहीं कि किसी धर्म को लेके, हाँ एक जो एक तरीके से वैश्विक आतंकवाद जो एक समय चल रहा है ना, इसको लेके हम कह सकते हैं, है ना, ना कि किसी धर्म विशेष को लेकर। जो सत्यता है वो दिखाई गई, सिंपल सी बात ये है ना। नरेंद्र मोदी ने भी तारीफ की और कहा कि कुछ लोग इसकी विरोध क्यों कर रहे हैं फिल्म का। विरोध कर रहे हैं, अब मुझे नहीं पता क्यों कर रहे हैं, शायद वो अपने धर्म के ऊपर ले रहे हो, लेकिन जो सत्य बात थी जिससे जुड़े हुए वो लोग थे, टेररिज्म के ऊपर थी कुल मिलाकर बात ये है ना। अब लोग इसे धर्म से जोड़ रहे हैं तो एक बात अलग है ना, और जोड़ा भी तब जाता है जब शायद वो कुछ सोच रहे हो अपने अपने बारे में लेके, है ना। कैसी लगी ओवरऑल मूवी? तो शानदार थी क्योंकि सच्ची घटना पे आधारित थी, तो मैं तो हमेशा समर्थन ही करूंगा, चाहे वो कश्मीर फाइल्स हो चाहे। मैम कैसी लगी फिल्म आपको? सर कैसी लगी? बहुत अच्छी। क्या कहेंगे? एक्सीलेंट। हर लड़की को, हर भाई को, हर माँ बाप को देखनी चाहिए, सबको देखनी चाहिए। और भी लोगों से बात करते हैं। सर कैसी लगी मैम आपको? बहुत ही बढ़िया। क्या कहेंगे मैम जो लोग कह रहे हैं कि फिल्म अच्छी नहीं है या प्रोपोगंडा है? नहीं, प्रोपोगंडा तो नहीं है, रियलिटी दिखती है, बट आई थिंक वन शुड वॉच इट। जो लोगों से बात करते हैं लोग जो है तारीफ, कैसी लगी फिल्म आपको? वेरी गुड, नाइस। कैसी लगी फिल्म? बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छी मूवी। क्या कहेंगे फिल्म के बारे में? बहुत अच्छा है। मैम क्या कहेंगे फिल्म के बारे में, कैसी लगी? वी केम आउट विद गूज बम्स, रियली रियली। हिम्मत है उस इंसान की जिसने ये डायरेक्ट करके प्रोड्यूस करके और सिनेमा हॉल्स तक पहुँचाया। कुछ लोग कह रहे हैं प्रोपेगेंडे वाली फिल्म है कश्मीर फाइल्स की तरह। देखिए मैं नहीं मानती हूँ, एक आई ओपनर है। We should believe. If it has come to the theater, we should believe in the story. क्या कहेंगे? सबको देखनी चाहिए, all Hindus girls को बोलना चाहिए पिक्चर देखें, हर family member को, किसी के काम का नहीं, नहीं नहीं, हर family member को बोलना चाहिए अपनी बच्चे को पिक्चर दिखाएं जाए। हाँ। कुछ कह रहे हैं सर एक ही धर्म को टारगेट किया गया है या फिल्म अच्छी नहीं? नहीं नहीं, नहीं धर्म को टारगेट के रियली ऐसे हो रहा है, सच्चाई है ये। सर अभी पीएम नरेंद्र मोदी ने भी इसकी तारीफ की, बहुत 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 की तारीफ देखी थी, स्पीच देखी थी, बहुत उन्होंने की थी, तारीफ की थी, सबको देखनी चाहिए पिक्चर जी, उनको भी देखनी चाहिए, मुसलमानों को भी। और सर मैम इसको कम ज़्यादा कम जो सीटें हैं नहीं कि मतलब कम पर्दों पर ये चलाई गई है, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये प्रोपोगंडे वाली फिल्म है बैन करने तक की लोग, नहीं बैन नहीं होनी चाहिए, लोगों तक पहुँचनी चाहिए, लोगों को समझ आनी चाहिए कि ये क्या कहानी चल रही है। कह रहे सिर्फ एक मजहब को टारगेट किया गया है? नहीं इतना नहीं है, मतलब हर मजहब को, हर मजहब की कोई एक कहानी है, मैं ये नहीं कहती हूँ एक मजहब की कहानी है, हर मजहब की कहानी है, ये एक मजहब की कहानी दिखाई गई है, और भी कहानियाँ हो सकती हैं जो दिखाई जा सकती हैं, है ना। तो हमारे प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स को आगे आना चाहिए सारी रियलिटी दिखाने के लिए बच्चों को। ये भी कश्मीर फाइल्स से जोड़ी जा रही है मैम, क्या कहेंगे? कश्मीर फाइल्स भी एक सच्ची घटना पर आधारित थी और ये भी,
ये सब रियलिटीज़ हैं, वी शुड नो अबाउट ऑल दीज थिंग्स. हमसे छुपी नहीं होनी चाहिए रियलिटीज़, बुक्स में बंद नहीं होनी चाहिए. ये सब कहीं बुक्स में बंद है ना, ये स्टोरीज वहीं से निकाली गई हैं, पढ़ी गई हैं, उनका बनाया गया है एक फिल्म, उसको दिखाया गया है. मैम बॉलीवुड में जिस तरीके से चेंजेस आ रहा है, असलियत पे फिल्में बनाई जा रही हैं, उसको बहुत अच्छा है. असलियत पे फिल्म बनाना बहुत अच्छा है. सर क्या कहेंगे इस चेंज को कि अब जिस तरीके से डॉक्यूमेंट्री और एक के बाद नहीं चाहिए ऐसी पिक्चर बनी जाए. कश्मीर फाइल भी सही मूवी थी 1989 इन्हें क्या हुआ था, उसमें गृह मंत्री कौन था, तो इसलिए सब कुछ होना चाहिए. हाँ होना चाहिए, मूवी दिखानी चाहिए, ऐसी मूवी बनानी चाहिए डे बाय डे, और भी मूवी बनानी चाहिए. राजनीतिक पार्टियाँ भी घुस रही हैं मूवियों में, उसने तो उनका काम है घुसना, उनको जीतना है ना, प्रोपेगंडा करना है उनको. हाँ. और बीजेपी को बदनाम करेंगे. इसमें बीजेपी कांग्रेस नहीं है, जो रियलिटी है वो रियलिटी है. देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी फिल्मों में कूद रहे हैं. बिल्कुल नहीं कूद रहे, सही है, बिल्कुल जो सही है वो कह रहे हैं ना. वो जरिया है ना जो एक बहुत बड़े ग्रुप तक पहुंच जाता है. इट्स नॉट अ वेरी कॉस्टली अफेयर, पीपल कैन अफोर्ड वॉचिंग मूवीज. OTT पे आ रही हैं पिक्चरें, बहुत लोगों तक बहुत जल्दी पहुंचाई जा सकती है. इसीलिए उन्होंने कितनी रेटिंग देंगी? मैं इसको अगर डायरेक्शन देखा जाए, स्टोरी देखी जाए, फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड एक कहानी देखी जाए, सभी में मैं इसको 9/10 दूंगी. आपको लगता है सर धर्म पे, किसी धर्म पे टारगेट किया गया इस फिल्म? नहीं, बार वो भी क्वेश्चन है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं. आई से ही सबको पता ही है वर्ल्ड में क्या हो रहा है, अफगानिस्तान में क्या हो रहा है, बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, सबको पता ही है ना. तो जो जितनी हमारे हिंदू जो पॉपुलेशन कम हो रही है हर जगह पे, वो सबको पता ही है ना. चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर. देखिए जितने भी लोग जिन्होंने आज केरला स्टोरी देखी, उन्होंने हमने बात की है और उन्होंने यही बात बताई है कि ये फिल्म जो है वो सच्ची घटना पे आधारित है और इसीलिए हमें ये फिल्म जो है वो पसंद आई है. कुछ और लोगों से भी बात करेंगे इस पूरे मामले को लेकर, इस फिल्म को लेकर कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि राजनीतिक पार्टियाँ जो हैं वो लगातार इसको लेकर जो है वो राजनीति करती हुई नज़र आ रही हैं. पर जैसा कि केरला को हाईकोर्ट की तरफ से भी कहा गया है और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर सुनवाई करने से जो है वो मना कर दिया है. सर आपने फिल्म देखी है, आप क्या कहेंगे कि जिस तरीके से कुछ राजनीतिक पार्टियां, कुछ लोग आगे कह रहे हैं ये फिल्म जो है वो प्रोपेगंडा है कश्मीर फाइल्स की तरह? देखिए ये मूवी ऐसी है कि ये जो समस्या इसमें दिखाई है केरल की, सुनते हम बहुत दिन से आए थे, लेकिन बिल्कुल सत्यता है और पूरे देश में ये एक एजेंडा चल रहा है. पूरे देश से इसी तरह लड़कियों को धर्मांतरण किया जा रहा है और उनको देश विरोधी एक्टिविटी में यूज़ किया जा रहा है. इस फिल्म ने आंखें खोल दी हैं. मैं सभी माँ बाप से कहना चाहूँगा कि अपने घर में लड़का हो या लड़की, इस मूवी को दिखाएं. मूवी अपने आप में फुल मैसेज है, इसके अलावा कुछ आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है. बहुत बेहतरीन तरीके से मूवी को बनाया गया है. इसमें जो सब्जेक्ट है और डायरेक्टर ने जिस तरह से इसको फिल्माया है, वो हैट्स ऑफ है उनके लिए. और इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि जो राजनीतिक दल अभी तक इन चीज़ों को नकारते थे, आप याद करिए शुरू में जब कुछ हिंदू संगठनों ने और बीजेपी ने लव जिहाद शब्द दिया था, तो लोग कह रहे थे आप लोग तो धर्म की राजनीति करते हैं, आप तो लोगों को लड़ाते हैं, लव जिहाद जैसी कोई चीज़ नहीं होती. आज पता लग रहा है कि केरल में 30,000 के करीब लड़कियाँ गायब हैं, जिसमें क्रिश्चियन भी हैं, जिसमें हिंदू भी हैं, हर कम्युनिटी की लड़कियाँ. आखिरकार ये जिस तरह की प्लानिंग की जाती है, लड़कियां अपने घर वालों से दूर हो जाती हैं और हम लोग क्या करते हैं, मेरे घर में भी बेटी है, आमतौर पे अगर पता लगा किसी से फ्रेंडशिप है हम उसी पे डांटने लगते हैं. तो ये भी इसमें दिखाया है एंगल कि यदि आपके घर में कोई लड़की ऐसी है, आपकी बेटी है, आपकी बहन है, तो उसको प्यार दें, उसको पता रखें कहाँ है, किस कॉलेज में पढ़ रही है. ये बहुत बेहतरीन मूवी है. सर कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि एक ही धर्म को टारगेट किया गया है या फिर सिर्फ इस्लाम को टारगेट किया जा रहा है, कुछ इस तरीके के लोग सामने आ रहे हैं जो कोर्ट तक जा रहे हैं फिल्म को बैन करने के लिए. देखिए हमारे देश में अगर भारत की बात करूँ तो 25 करोड़ से अधिक मुसलमान हैं, वो सब इस मूवी को ये नहीं कह रहा है कोई भी कि ये सबके विरोध में है, ये मात्र उन लोगों के विरोध में है जो आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं, जो ISI की विचारधारा से जुड़े हुए हैं. तो ये इस्लाम के विरोध में नहीं है, ये मूवी आतंकवाद को एक्सपोज कर रही है, ये किसी धर्म विशेष को एक्सपोज नहीं कर रही. इस्लाम अपने आप में बेहतरीन धर्म है, जो उसको अपनाते हैं वो. इस मूवी में भी दिखाया गया है कि जब डेड बॉडी जा रही है तो कुछ मुस्लिम फैमिली उसके साथ हैं, और केरल वो स्टेट है कि वहाँ सब लोग मिलकर रहते हैं, तो वो एजेंडा किसी का नहीं है, ये केवल आतंकवाद के विरुद्ध मूवी है. चलिए देखिए और भी लोगों से बात करते हैं. ये बताइए आपने अभी केरल स्टोरी देखी, क्या कहेंगे? मैम मैं यही कहूँगा कि जैसे सर ने कहा, इस्लाम अपने आप में बहुत बेहतरीन धर्म है मैम, बट रीज़न ये है कि जो हमारे देश के दुश्मन है वो हमारे इन कमज़ोरियों को बहुत बुरी तरह इस्तेमाल करते हैं. ठीक है, अभी आपने कश्मीर स्टोरीज देखी जो बिल्कुल सच्चाई है. मेरे खुद कश्मीरी दोस्त हैं मैम, मैं दिल्ली NCR में रहा हूँ 10 साल से, मेरे बहुत अच्छे कश्मीरी दोस्त हैं, लेकिन मैम जो कुछ गंदे लोग हैं वो बहुत गंदे हैं मैम.
ये बात हमें लोगों को बतानी होगी मैम, ठीक है। हमने देखा है मैम केरला स्टोरीज में इतना अच्छा पढ़ा लिखा स्टेट, मैम इतना अच्छा पढ़ा लिखा स्टेट, आज वो लोग जब इन तरह की चीज़ों में देखते हैं मैम, हमारा देश मैम, मैं तो कहता हूँ मैम सबसे उन्नत आदमी वो है जिसको भारत देश में जन्म हुआ। उसके अभी आपने तारीफ की है, केरल का नाम लिया है, केरल बेस्ड ये फिल्म है, सच्चाई पर आधारित है, पर कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि द कश्मीर फाइल्स की तरह ये भी प्रोपोगंडा है। नहीं मैम, बिल्कुल नहीं प्रोपोगंडा मैम, ये सच्चाई है। कश्मीर फाइल्स में एक डायलॉग था कि जब पूरा भारत आपका जलता हुआ कश्मीर बनेगा तब आपको समझ में आएगा हम क्या कह रहे थे। मैम ये सच्चाई है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मेरे खुद मैम बहुत अच्छे मुसलमान दोस्त हैं, मैं खुद रणजी खेला हुआ हूँ मैम, मैंने जब कप्तान बना, मेरे को जब खेलने को मिला तो मेरे कप्तान थे शहबाज अहमद। मेरा अल्नर नर्व का मैम आप देखो इंजुरी है, ठीक है, जो मेरे डॉक्टर ने मेरा इलाज किया वो एम्स में, वो डॉक्टर ताहिर थे। मैम हम लोग किसी धर्म विशेष के अगेंस्ट फिल्म में सबसे ज़्यादा अच्छा क्या लगा? मैम मुझे सबसे अच्छा ये लगा कि सच्चाई को दिखाना बहुत ज़रूरी है मैम, कुछ गंदे लोग हैं हमें बहुत ज़रूरी है उन्हें एक्सपोज करना। मध्य प्रदेश में फिल्म को टैक्स फ्री कर दिया गया, क्या कहो? बहुत अच्छी बात है मैम, बहुत अच्छी बात है। देखिए जिन लोगों में समझ है, जिस सरकार में समझ है, वो इस मूवीज़ को टैक्स फ्री कर रहे हैं, ठीक है। देखिए डर जो है वो हमें भी पता है क्या है, आपको भी पता है क्या है, हम बोलने से डर रहे हैं मैम, बट आज ये नया भारत है, हमें पता है कि क्या सच है क्या नहीं है, है ना। हम वो भारत के लोग हैं मैम, एटलीस्ट हमारी जो जनरेशन है, हम वो जनरेशन है जहाँ हिंदू लड़का एक मुसलमान डॉक्टर के पास जाता, जहाँ एक मुसलमान विद्यार्थी हिंदू टीचर के पास आता, ठीक है। मगर ये जो 10-15% गंदे लोग हैं मैम, ठीक है, उन्होंने हमें बिल्कुल अलाउ नहीं करना है कि वो लोग हमारे ऊपर चढ़ जाए मैम, ठीक है। हमारा महान देश है मैम, है ना, लोग कहते हैं हमारी बात कहते हैं, एग्जाम्पल्स देते हैं मैम, है ना।